अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग व्यूअर्स। अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की रहमतें आप दोनों हाथों से समेट रहे होंगे और अल्लाह मियाँ सबको आपके अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और मैं आज बनाने लगी थी वाइट बैंगन। मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने बैंगन लिए हैं और एक प्याज है, 5-6 हरी मिर्ची हैं, 3 टमाटर हैं, और ये कुछ हमारे गार्निश के लिए हमें धनिया थोड़ा सा चाहिए होगा। और हम इन सबको काटते हैं। और ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से अल्लाह की कितनी प्यारी नेमतें हैं हमारे लिए। और एक तरह की जो सब्ज़ी भी है, फल भी है, वो अल्लाह मियाँ ने कितने रंग में हमें दिए हैं। और माशाल्लाह से हम तो उनका, अल्लाह का शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकते और ना ही उनकी नेमतों का, और हम तो है ही ना शुक्रे। और ये देखें, अब हम चले बनाना स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर। मैंने कहा चले, मैं भी बना रही थी, मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे मियाँ साहब को ये बहुत पसंद है। अपनी दुआ, आप प्लीज़ मुझे लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी किया करें, तो आपको आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चले बनाना स्टार्ट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चले किचन की तरफ चलते हैं। ये देखें, मैंने ना एक प्याज एक काट लिया और एक प्याज, और इसमें मैंने ऑयल डाल के ना चूल्हे पे चढ़ा दिया। और मैंने बैंगन भी काट लिए, आलू भी काट लिए हैं। तो अब हम वो जो हमने हरी मिर्च और जो प्याज लिया था ना, अब हम उसको चॉप करके इसके अंदर डाल देंगे। उतनी देर, ये थोड़ी देर में हमारा ये भी प्याज है वो गोल्डन हो जाएगा। ठीक है, ये देखें हमारा प्याज ये देखिए रेडी हो गया। अब हम इसमें हरी मिर्ची और वो जो टमाटर है वो ऐड कर देते हैं। अब अच्छे से अब इसकी भी मैं करके फिर हम इसमें सारे मसाले डालते हैं। ये देखिए बस हमने ये 3 हम लोगों ने आलू लिए वो काट लिए हमने, और ये हमारे बैंगन है। आप इनको ना वॉश करके रखिएगा, नहीं वरना ये ब्लैक हो जाते हैं। ये देखिए मैंने पानी भी नहीं रखे, ये थोड़े से ब्लैक होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वाइट है ना तो ये बहुत जल्दी ब्लैक होते हैं। और अब हमने जो इसमें मसाले ऐड करने हैं वो हमारे, ये थोड़ी सी मैंने धड़ा मिर्च ली है, हल्दी है, नमक है 1 टेबल स्पून, और ये रेड चिली है, वो अपने हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। कुछ लोग खाते हैं स्पाइसी खाते हैं, वो अपने हिसाब से डालें, वरना मैंने तो 1 टेबल स्पून ली है। लाल मिर्च, धड़ा मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और नमक, और थोड़ा सा इसमें मैंने ऐड किया है ज़ीरा। और ये हमारी, ये देखिए हमारा मसाला रेडी हो रहा है। तो जब ये मसाला हमारा रेडी हो जाएगा, हमारा मसाला रेडी हो जाएगा, तो फिर हम इसमें ना ये पहले, सबसे पहले आलू डालेंगे, फिर हमने साथ ये सारे मसाले ऐड करके अच्छे से भुनाई करके फिर हम लोग बैंगन डालेंगे, और हल्की सी हम लोग सीटी लगा देंगे इसको प्रेशर में। मैं बना रही हूँ, ये देखें इजी से जल्दी से बन रहे, 5 मिनट में ये झटपट बनने वाली है। ये ना बैंगन की रेसिपी, बनाइएगा ट्राई कीजिए, बनाइएगा ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा फिर आपको कैसी लगी। बहुत मज़े की बनती है। आप चाहे तो इसमें लेमन भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें इमली का फल भी डाल सकते हैं, ये आपकी, आप पे डिपेंड करता है। मैंने इसीलिए 3-4 टमाटर ऐड कर दिए हैं कि थोड़ा सा मसाला, इसकी ग्रेवी भी बन जाएगी और ये चटपटा भी बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें आलू ऐड और मसाला ऐड करके अच्छे से भुनाई करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए भी बस हमारा मसाला बनके ये देखिए तैयार हो गया है। अब हम इसमें कर रहे हैं हम लोग आलू ऐड करेंगे, और आलू ऐड करके फिर हम इसकी अच्छे से भुनाई करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने अब इसमें बैंगन डाल दिए, आलू डाल दिए, अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर रही हूँ। ये देखिए इसकी अच्छे से भुनाई करके अब मैं आपको इसको बना के डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए व्यूअर्स, हमारे बैंगन बन के रेडी हो गए हैं, और मैं अब इसमें गरम मसाला और धनिया ऐड करने लगी हूँ, और साथ ही मैंने चाय रख दिया, और साथ ही मैं रोटियां बनाने लगी थी। मैंने तो साथ ही चले पेड़े बना, सर्दी है तो ना पेड़े बना के रख लिए हैं, और माशाल्लाह से हमारे दिन में ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। 2 मिनट लगे मैंने,
इसको सीटी लगाई है, सीटी लगा के मैंने इसको भून रही हूँ अच्छे से माशाल्लाह से। सब कुछ ये देखिए घी भी छोड़ दिया है और बनाई भी हो गया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला और धनिया, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।